दूसरी बड़ी खबर राजसमंद से, जहां जिला रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के 58 पेट्रोल पंप संचालकों को नोटिस जारी हुआ है। संबंधित कंपनियों को भी नोटिस भेज कर किया गया है। 52 पेट्रोल पंप पर बोतलों के कैरेट भरकर की जा रही है सप्लाई। सप्लाई का मामला सामने आने पर हुई कार्रवाई। जिला रसद अधिकारी संदीप माथुर ने किए नोटिस जारी। राजसमंद से बड़ी खबर, जिला रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई। जिले के 58 पेट्रोल पंप संचालकों को नोटिस। संबंधित कंपनियों को भी नोटिस भेजकर किया गया है पाबंद। पेट्रोल पंपों पर बोतलों के कैरेट भर की जा रही है सप्लाई। सप्लाई का मामला सामने आने पर हुई है ये कार्रवाई। जिला रसद अधिकारी संदीप माथुर ने ये नोटिस जारी किया है। राजसमंद से बड़ी खबर, जहां जिले के 58 पेट्रोल पंप संचालकों को नोटिस जारी किया है। संबंधित कंपनियों को भी नोटिस भेजकर पाबंद किया गया है। पेट्रोल पंपों पर बोतलों के कैरेट भरकर की जा रही है सप्लाई। सप्लाई का मामला सामने आने पर ये कार्रवाई की है। जिला रसद अधिकारी संदीप माथुर ने नोटिस जारी किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजसमंद से, जहां पेट्रोल पंपों पर बोतल के कैरेट भरकर पेट्रोल सप्लाई का मामला सामने आया है, जिस पर जिला रसद अधिकारी संदीप माथुर ने पेट्रोल पंप संचालकों को नोटिस दिए हैं। संबंधित कंपनियों को भी पाबंद किया है। 58 पेट्रोल पंप संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। संबंधित कंपनियों को भी नोटिस भेजकर इसमें पाबंद किया गया है। और इस पर प्रकाश पालीवाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रकाश, क्या है ये पूरा मामला और क्या कुछ कार्रवाई इसमें की जा रही है? देखिए बानो जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो राजसमंद में जो 58 पेट्रोल पंप है अलग अलग कंपनियों के जी, उनका आए दिन ये सब देखने को मिलता है कि जो छोटे छोटे गांव के दुकानदार रहते हैं वो बोतलों में केरोसिन पेट्रोल भर के कैरेट भर के वो अपनी दुकानों पर रखते हैं, और कोई कस्टमर जो इमरजेंसी में पेट्रोल खत्म हो जाता है अपनी बाइक या फोर व्हीलर में, तब वो उनको महंगे भाव में बेचते हैं जी। इस पर जब एक सोशल मीडिया पर एक अखबार में खबर छपी थी, उस खबर के आधार पर आज जिला रसद अधिकारी संदीप माथुर ने पेट्रोल पंप मालिकों को और संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी किया है जी। अब इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होनी है, क्या किसी नोटिस का जवाब आया है, और कब से जो ये जो बोतलों में भरकर पेट्रोल सप्लाई हो रही थी, इस पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए ये तो सोशल मीडिया पर और एक अखबार की खबर पर एक्शन लिया गया है। वैसे तो ये कार्यक्रम, ये जो बोतलों में भरने का पेट्रोल पंप भरने का ये सिलसिला तो लगातार चलता रहता है। यहाँ के लोग ड्रमों में भरकर ले जाते हैं, बोतलों में भर के ले जाते हैं, पर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर एक सोशल मीडिया पर खबर चली और उसके बाद में एक अखबार ने उस खबर को हेडलाइन लिया, उसके बाद में ये कार्रवाई हुई है। अब देखना है कि जिला रसद अधिकारी इस पर आगे क्या कार्रवाई करते हैं जी। प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।